हाय एवरीवन, आज का दिन शुरू हो गया है एंड आई एम होल सेट। आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ी रेडी भी हो गई हूँ, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आपको वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि मैं फुल डे व्लॉग बनाने वाली हूँ। एंड आपको सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई होप एंड आई प्रे कि सबका दिन सबका साल बहुत अच्छा जाए। एंड स्टे ट्यून विथ मी एंड देखिए आगे आपके लिए मेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है एंड निशान के लिए भी एक सरप्राइज़ ही होने वाला है, क्योंकि ही वॉज प्लानिंग दिस फ्रॉम लाइक ईयर्स और चाइल्डहुड, बट आज उसका ये छोटा सा सपना पूरा होने वाला है। कैसे, क्या और क्या है वो सरप्राइज़, आप वीडियो में पूरा देखिएगा ज़रूर। जैसे मैंने आपको बोला कि आज विजयादशमी यानी कि दशहरा है, और हमारे घर में भी दशहरा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, सबके घर में सेलिब्रेट होता है, राइट। तो इसमें मुझे भी हमेशा ये डाउट रहता है, हमेशा पता नहीं भूल जाती हूँ मैं, तो क्यों हम लोग मैंगो लीव्स यूज़ करते हैं एंड इस तरह का तोरण बनाते हैं विच इज़ लाइक वेलकम डोर साइन, ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मैंगो लीव्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन दे इमिट ऑक्सीजन आउट ऑफ इट, विच इज़ लाइक गुड फॉर हेल्थ एंड अच्छा होता है, राइट। हवा को क्लीन किया जाता है, दैट मीन्स राइट। एंड फिर ये वाला मैरीगोल्ड फ्लावर झेंगुची फूल ये उसके साथ लगाया जाता है। एंड देन दिस वन इज़ राइस ग्रेन, ये नई फसल जब किसान अपने घर पे लाता है तो सेलिब्रेट हैप्पीनेस ये माना जाता है। एंड देर इज़ वन मोर रीज़न, है मेनी रीजन्स। विजयादशमी के दिन ऐसे बोला था माँ दुर्गा महिषासुर के साथ लड़ी थी फॉर 9 डेज, तो 10वें दिन इज़ लाइक अ विजय, तो इसीलिए भी उसको विजयादशमी बोला जाता है। एंड देन देर इज़ वन मोर रीज़न कि ऑफकोर्स ये आराम काल से सेलिब्रेट किया जाता है। सो जैसे कि रामायण आपको सबको पता ही होगा, हमने देखी भी है। सो रामायण में कैसे होता है कि भगवान राम जब रावण पे युद्ध या फिर रावण का वध करते हैं तो उस दिन को भी दशहरा, मतलब कि असत्य पे सत्य की जीत हुई, इसीलिए उसको विजयादशमी भी बोला जाता है। सो ये प्रिपेयर हो चुका है हमारा मैंगो लीव्स एंड झेंडू का तोरण, एंड इसे संस्कृत में बोला जाता है विच वेलकम्स टू योर होम, तो इसीलिए दरवाजे पे भी लगाया जाता है। एंड ये शुभ होता है इसीलिए गाड़ी पे या फिर आपका जो भी, मतलब अगर आप किचन में भी ये लगाते हैं, आई थिंक मंदिर में भी लगाते हैं, हर जगह पे, क्योंकि इसको बहुत शुभ माना जाता है। यस, आई हैव नॉलेज लिटिल बिट। नाउ आई एम गोना जस्ट शो यू द ग्लिम्स ऑफ आवर मंदिर एज वेल। देखिए पूरा ये तोरण यहाँ पे भी लगा है एंड दिस इज अ व्यू, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो ये मैरीगोल्ड फ्लावर्स झेंडुचे फूल यहाँ पे रखे हैं, देन मैंगो लीव्स भी है यहाँ पे, एंड इसे फुल डेकोरेट किया जाता है सभी घर में इसी तरह से। तो सिर्फ शूट नहीं किया मैंने, ब्लेसिंग्स भी ली। ओके इसीलिए कैमरा ऑफ किया था थोड़े टाइम के लिए। हाय ताई, से हाय, हैप्पी दशहरा। आज तुम तो उपवास है। शी फास्ट एवरी डे, 9 दिन फास्ट किया था, राइट। आज खाना रहा तुम्हें? मच्छी नहीं खाना, शी विल नॉट ईट नॉन वेज बट वेज खाएंगी, बट 9 दिन का उपवास। एंड मीट माय मॉमजी ऑलरेडी। सो अभी हम लोग मिलेंगे मामा जी से। हैप्पी दशहरा मामा, ही इज सो क्यूट एंड ही वाज हैंडसम। एंड मीट माय पापा। पापा इट्स ओके, यू आर हैंडसम, इट्स ओके। पापा ने सारा प्रिपरेशन किया तो वो भी वीडियो में आने चाहिए, है ना। बस ये हाय, ही हाय, इज क्यूट। तो जब भी कोई घर पे आता है ना, मैं उनको हमेशा ऑफर करती हूँ चाय, कॉफी या फिर ग्रीन टी। एंड एवरीवन सेज नो टू ग्रीन टी, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आती यूजुअली ग्रीन टी, बट पहली बार मामा ने हाँ बोला, मुझे अलग ही खुशी हुई है कि एटलीस्ट वो तो है जो ग्रीन टी पीते हैं मेरी तरह, लाइक करते हैं ग्रीन टी को। आपको दिखाती हूँ, बना रही हूँ अभी मैं ग्रीन टी एंड सर्व करूंगी उनको। आवड लेना तुम्हारा। थैंक यू, यू आर वेलकम। पापा पण पीता है आज। आई एम रेडी एंड पापा भी रेडी हो चुके हैं, लेट्स गो। चलो पापा, निशांत इज गेटिंग रेडी, फुल मैचिंग मेरे साथ, मेरी कॉपी करता रहता है लेकिन बेटर। निशांत से हाय। सो
सो वी आर गोइंग फाइनली फॉर अ न्यू बेबी. इट्स लाइक अ न्यू बेबी. मम्मी बाय. मी थांबा. मी तुमचा दशेऱ्याचा आशीर्वाद नाही घेतला. थँक यू. किती तीन जण आहेत. सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं. अभी पापा भी हमारे साथ आ रहे हैं. मम्मी नहीं आ रही क्योंकि मम्मी को तो वेलकम करना होगा ना उस सरप्राइज का. थोड़ा सा और टाइम एंड फिर सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा. आपको पता चल जाएगा दो मिनट में. सो वी आर वेटिंग फॉर दीदी एंड निश्चय. वो लोग आ जाएंगे फिर हम लोग साथ में चलेंगे. पापा नहीं आ रहे क्योंकि हाय हैप्पी दशहरा. विजयादशमी. 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 सो वी हैव स्पेशल गेस्ट निश्चय बड़े. वेलकम. हाय. हेलो. हाय दीदी. हैप्पी विजयादशमी. हैप्पी विजयादशमी दीजू. शी इज विद अस. हाय मैडम. चलो लेट्स गो. बाय बब्बा. व्हाइट एंड व्हाइट. आज का ड्रेस थोड़ा व्हाइट. सो फाइनली वी आर हियर. कम ऑन. यस. सरप्राइज इज ओवर. आपको दिखेगा मेरे पीछे क्या है. रॉयल इनफील्ड का शोरूम. कम ऑन दीदी. लेट्स मी शो यू. आज ना यहाँ पे 40 गाड़ी का डिलीवरी है. आई थिंक 45. देखना सारी लाइन में गाड़ी. हियर वी आर इन द शोरूम. यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं. आपको नया वाला मिटियोर के ऊपर का वर्जन आपको दिखाती हूँ मैं. दिस वन मिटियोर 350. ये इनके पास ये लोग बहुत शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी आती है. सो फर्स्ट टाइम आपको दिखा रही हूँ दीदी. कम ऑन. ये नया वाला गाड़ी है मिटियोर का. ये वाला नहीं ले रहे हम लोग. हम लोग दूसरा वाला ले रहे हैं जो आपको जल्दी इस वीडियो में पता चलेगा. और हम लोग सब आज व्हाइट पहन के. व्हाइट एंड व्हाइट. So we have Jiju with us. उसने मेरी वीडियो पता नहीं कैसे ली है लेकिन look at her face, so cute. So सर आ गए हैं जो हमें गाड़ी देने वाले हैं. She's taking already. Mirror, mirror, we have mirror. Jiju, come here. Mirror selfie is favorite. ये भैया है जिन्होंने हमें असिस्ट किया था गाड़ी लेते समय. बट ही इज वेरी चालू. विवेक जी से हाय. कोई गिफ्ट नहीं देते ये और बहुत चोरी मक्कारी करते हैं. झूठ बोलते हैं बहुत. बॉटल मिलेगा ना. हाँ बोल दीजिए. वीडियो में आओगे. नाइस शर्ट है बाय द वे. बन के आए हो फुल. देखो यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है. मैं तो देख के सब बैठ गया अभी गाड़ी पे. एंड यहाँ पे ये दोनों का चल रहा है फोटो सेशन. हाय सर. आप कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे यहाँ पे. हिमालयन माय फेवरेट. आर वी डन निशान. अजून क्या है. गाड़ी ला रहे हैं अभी. आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन एंड बाकी सब तो कंप्लीट हो गया है. एक शोरूम प्राइस 8000 इंक्रीज हो गया राइट आफ्टर बुकिंग. एंड आफ्टर बुकिंग ओनली ये वाला भी नया गाड़ी आया है मिटियोर 350 वाला. वी गॉट दिस सीट कवर एंड हेलमेट. पार्किंग कवर. पार्किंग कवर है. बाइक से कवर है. गाड़ी से कवर. ओके ओके. सीट कवर थे अटैच. गाड़ी वाला. ओह इट्स एनलाइटनिंग.
कुछ फ्री नहीं मिलता। 1250 2000 का आई थिंक है कुछ, एंड जैकेट भी है। एंड देन दे हैव बॉटल, ए बॉटल का बोल रही थी मैं कि एटलीस्ट ये तो फ्री दे देते। एंड देन शूज है विद रॉयल एनफील्ड का ऑल ब्रांडिंग एंड ऑल, फिर दिस जैकेट एंड एवरीथिंग। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बट आपको इंटरेस्ट होगा गाड़ी देखने में ही, तो आई थिंक दिस इज हंटर। अभी ना यहाँ पे आ गई हूँ ना, तो गाड़ी देख के पहचान में आ जाता है, दिस इज हंटर। आप हंटर लेने वाले हो अंकल? सोच रहे हैं आज लेने के लिए पे। क्लासिक, क्लासिक तो सबकी फेवरेट है। 350 फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, ये वाली। Just kidding. ऐसे थोड़ी ना गाड़ी लेके जाएगा वो। आई थिंक निशान अपना गॉगल भूल गया, तो वो टेस्ट ड्राइव वाली हंटर दे रहे हैं इनको कि घर पे जाके गॉगल लेके आ। ये वाली गाड़ी नहीं है हमारी, आपको दिखाती हूँ हमारी वाली कौन सी है। तो गाड़ी देने के पहले अच्छे से उसको क्लीन किया जाता है, बट ये वाली भी हमारी गाड़ी नहीं है क्योंकि निशान गॉगल लेने गया है ना, इसीलिए गया वेटिंग एंड सीइंग की गाड़ी कैसे क्लीन होती है। इतने सारे लोग आए जुड़े लेने के लिए, दुर्गा पूजा था इसीलिए देखो बॉल आर्ट भी ऐसे बनाया उन्होंने। थीम के साथ जाना चाहिए यार, निकालने के। निश्चय तुझे पण कर। कांग्रेचुलेशंस। What girls get is iPhone, but I am giving a key to him. All accessories. अरे लिंबू रहे होते, लिंबू रख रहे हैं। उत्सव करी आम्ही तो चालू ना कसा पण झालं तुला बसायचं हा सगळ्यां बस हो दादा दादा उद्या व्हिडिओ काढ अरे वेट फॉर मी, हेलमेट को पकड़ दिला। हो गाड़ी वाली अपनी अलग सेगमेंट वाला फील आता। गाड़ी हमें मिल चुकी थी, लेकिन मेरा माइक समहाउ डिस्कनेक्ट हो गया था। एंड निश्चय दीदी एंड पापा घर पे आ गए थे, एंड मॉमजी वॉज वेटिंग फॉर अस ताकि वो गाड़ी की अच्छे से पूजा कर सके वापस। और दशहरा भी तो था, तो
बनता है। एंड शांति देखो कैसे साइड में वेट कर रही है हमारा। एंड यहाँ पे फिर मम्मी ने ना गाड़ी पे ओम निकाला, एक स्वस्तिक निकाला। ओम का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसीलिए आपको पता ही होगा कि हम सभी लोग घर में किसी तरह जब पूजा करते हैं तो स्वस्तिक एंड ओम ज़रूर लगाते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी अच्छे से गाड़ी की पूजा अर्चना कर रही है, बिकॉज इट्स अ न्यू मेंबर और हमारा साथ ऐसे ही देते रहे इसीलिए ये पूजा हो रही है। एंड मीनवाइल मैं शांति के साथ मस्ती कर रही थी। आफ्टर ऑल दैट फन हमने गाड़ी के साथ पिक्चर्स खिंचवाई एज अ जेस्चर ऑफ मेमोरी। सभी लोग करवाते हैं नई गाड़ी, उसको नया फील भी आना चाहिए और हमें भी, राइट। एंड फिर निशान ने नारियल तोड़ा एंड दैट वाज लाइक अ सक्सेस, हो गई पूजा गाड़ी की। बट पासिंग नहीं हुई थी तो इसीलिए कहीं दूर तो नहीं ले जा सकते थे, लेकिन पेट्रोल तो नहीं था, 2 लीटर ही था सिर्फ, तो पेट्रोल भरवाने जा रहे थे हम लोग। उसके बाद पूजा तो हो गई गाड़ी की, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट पेट्रोल भराना था। मैंने आपको बोला था ना कि 2 लीटर पेट्रोल था सिर्फ, एंड ये लोग तो ना हमको टंकी फुल करके देंगे, आई मीन सिर्फ गाड़ी देते और कुछ नहीं। बट देखिए आप, ये है हमारे बोईसर के रास्ते, थोड़े से गड्ढे यहाँ पे। आई रिक्वेस्ट अगर कोई वीडियो देख रहा है विधायक या कोई भी पॉलिटिशियन, ये रास्ते ठीक करवा देना। और आज का हाईलाइट तो दशहरा है, तो इसीलिए देखो सारे लोग कैसे गाड़ियों पे नई मालाएं लेके या फिर कैसे सब जगह मिलने के लिए जा रहे हैं टू विश दशहरा टू एवरीवन। दिस इज माय फर्स्ट मिरर का वीडियो एंड अभी रास्ते में मुझे मिली थी मेरी सिस्टर, यस सिद्धि, एंड देयर वाज अ सरप्राइज। देखो मामा भी है वहाँ पे एंड मामी जी भी, तो उन्होंने नई कार खरीदी एंड आई वाज सो हैप्पी, इट वाज लाइक अ सरप्राइज। एंड वो भी वरना, आई मीन इट्स माय फेवरेट कार, क्योंकि देखो सेडान का मतलब ना अलग ही है, जो भी बोलो रुतबा, और दिखने में भी इतनी सेक्सी लगती है यार, बहुत अच्छी लगी मुझे वो कार। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट माय ब्रदर सिद्धेश एंड सिद्धि, बोथ ऑफ देम, एंड मामा मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड डबल धमाका ये था कि बाजू में ना मेरी और एक मौसी भी थी और वो भी कार खरीदने आए थे, मतलब एक हैप्पीनेस डबल हो गई मेरी। एंड ये मेरा कजिन आदित्य एंड भावेश, एंड आदित्य मेरी शादी पे नहीं आया था तो वो बोल रहा था जीजू कहाँ पे मिलवा दो एक बार, तो मासी तो मिल चुकी थी। आई वाज सो हैप्पी कि उन्होंने भी कार खरीदी एंड सारे जन मिले, तो बहुत ज़्यादा खुशी थी मुझे कि इतने दिनों के बाद, एक तो मैं बाहर जाती नहीं ऑफिस के काम की वजह से, एंड आज मतलब गाड़ी भी ली एंड इन्होंने भी, सब ने गाड़ी ली, सबसे मिला निशान, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बाद में फिर बैक टू नॉर्मल मैं गई मामा के पास वापस, उनसे बात की दशहरे का, उनको विशेष दिया, सबसे बातें बातें करके फिर मैंने कार देखी एंड वो कार नहीं हाहाकार थी, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक गाड़ी लेना वरना मत लेना वरना ही लेना, सो दैट वॉज अ पीजे। बट यहाँ से आपको वो ब्लैक कलर में दिख रही होगी, लेकिन नो इट वॉज नेवी ब्लू कलर एंड इट लुक्स सो सो सुपर्ब। एंड फिर मामा मामी ने हमारा आशीर्वाद भी लिया, उनके रिचुअल्स, उनको शुभ लगता है कि भांजे और भांजी का मतलब ऐसे आशीर्वाद लेना। एंड फिर ये भैया आ गए थे दशहरे का शगुन मांगने, बट निशान को गाड़ी देखनी थी अच्छे से, मामा बहुत इंसिस्ट कर रहे थे पहले गाड़ी देख लो। एंड फिर बाद में क्या, हम लोग आ गए थे मधुर स्वीट्स, स्वीट्स लेने के लिए, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी, गाड़ी लिए सब लोग बोलेंगे अरे पेड़े का आप पे मिठाई का आप पे। खुशियाँ तो सबके साथ बांटनी चाहिए, और मैं अपनी मम्मी को कैसे भूल जाऊँ। शायद मेरी शादी हो गई है अभी, लेकिन मुझे फील नहीं होता कि मेरी शादी हो गई, हमेशा हर दिन हर सांस में मैं इनको मिस करती हूँ। दीदी और निश्चित तो आए थे सेलिब्रेट करने मेरे साथ, गाड़ी लेने के लिए सपोर्ट करने मुझे और निशांत को, लेकिन मम्मी नहीं आ पाए थे, तो उनको मैंने मिठाई दी और उसके बाद सेइंग बाय। मम्मी के घर तो मैं जा गई, और शाम को फिर मैं गई थी नानी से मिलने के लिए, निशान की नानी जी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे काफ़ी टाइम से मिलना था, और फिर मामा जी को भी स्वीट्स देने थे, इसीलिए हम लोग फिर शाम को वहाँ पे गए। एंड फिर आते वक्त ये देखो ग्लिम्स ऑफ विसर्जन। क्या स्वीट लड़की थी, मेरे ऊपर भी उसने फ्लावर्स डाले अपार्ट फ्रॉम दैट।
इफ यू रिमेम्बर सुबह मामा जी आए थे निशान के मामा घर पे, और उनको हमने बताया था कि बाइक तो लेने वाले हैं, लेकिन तभी बाइक नहीं आई थी और स्वीट्स भी नहीं लिए थे। हालांकि मैंने मामा जी का मुंह मीठा करवाया था, लेकिन उनको तो मेरी तरफ से पूरा डब्बा जाना चाहिए स्वीट्स का, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही आए थे एंड आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम। फिर मामी को तो ये सरप्राइज दिया मैंने और स्वीट्स भी दिया और बोला डब्बा खाली नहीं है ना, देख लेना एक बार, क्योंकि हम बहुत लोगों को डब्बे देख के आए तो मुझे पता नहीं ये वाला खाली है कि नहीं। और ये देखो हमारा अमित हड्डी पहलवान, पढ़ाई कर करके शायद बेचारा दुबला हो रहा है, लेकिन ही सो स्वीट एंड कूल। फिर मामा ने भी मुझे अविश किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया हम दोनों को भी, एंड देन मामी इज़ लाइक अ बेस्ट शेफ, शी कुक्स सो वेल, एंड फिर लड्डू भी खिलाया उन्होंने, एंड दिस इज़ मीत ट्राइंग बाइक। क्या कॉन्फिडेंस है बंदे में, मतलब फटाक से लेके गया और लेके भी आ गया जल्दी से, उसको मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा था और मुझे पसंद है जिनको इंटरेस्ट पर एक्साइटमेंट। Finally we are home and Shanti, look at you, a beautiful lady. आराम कर रही है, इसे शक्ल बना रखी है इसने, इसको कुछ खाने को देना पड़ेगा वापस। That is all for today's video. I mean दिन बहुत ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन इन सब से भी मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने में, बिकॉज यू आर माई फैमिली एंड आई होप एंड आई स्टिल थिंक दैट हमारी फैमिली और भी बड़ी हो। इसीलिए आप ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। हर हर महादेव।